भारत के पश्चिम बंगाल में एक बांग्लादेशी महिला और उसके प्रेमी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी उन्हें एकजुट होने से नहीं रोक सकी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार कृष्णा मंडल के रूप में पहचाने जाने वाली 22 वर्षीय महिला एक घंटे से अधिक समय तक नदी के उस पार तैरती रही और भारत में प्रवेश करने और अपने प्रेमी से मिलने के सुंदरवन से होते हुए निकली। प्रेम कहानी जो एक फिल्म को प्रेरित करने लायक है फेसबुक पर शुरू हुई, जहां कृष्णा मंडल और अभिषेक मंडल पहली बार मिले। दोनों ने जल्द ही प्यार हो गया और एक दूसरे का होने का सोच लिया। हालांकि वे अलग अलग देशों के थे जिनकी सीमा उन्हें अलग करती थी। जाहिर है कि कृष्णा के पास कानूनी रूप से भारत आने के लिए लीगल पासपोर्ट नहीं था, लेकिन अपने प्रेमी से मिलने की ठान ली। उसने एक कठिन यात्रा शुरू करने और पड़ोसी देश में अवैध रूप से पार करने का फैसला किया। कृष्णा की यात्रा में पहली बाधा सुंदरवन का जंगल था, जो क्रू रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि बहुत मशहूर है, और अन्य जंगली जानवरों का घर है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जंगल से गुजरने के बाद कृष्णा एक घंटे से अधिक समय तक माल्टा नदी में तैरती रही और दूसरे तरफ पहचाने में सफल रही। पुलिस के मुताबिक पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के कैखली गांव में जब कृष्णा आखिरकार एक हो अभिषेक से मिली तो लव बर्ड्स एक हो गए। इसके बाद दोनों कोलकाता के लिए रवाना हुए और कालीघाट मंदिर में शादी के बंधन में बंध गए। जल्द ही यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। वैध रूप से भारत प्रवेश करने का भारी पड़ा और पुलिस की कार्रवाई कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक कृष्णा को अब बांग्लादेश उच्च आयोग को सौंपा जा रहा है ताकि उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जा सके। ज़्यादा अपडेट के लिए न्यूज़ प्लस इंडिया को फॉलो करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया।